दोस्तों हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती को लेकर जो है दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार HKRN के माध्यम से जो है दोस्तों 534 कंडक्टर की जो भर्ती करवाई गई है उसको लेकर जो है दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई किस आधार पर इन कंडक्टर को सिलेक्ट किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। हरियाणा का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है दोस्तों जिस पर हरियाणा रोडवेज के हर अपडेट आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो चाहे किसी रूट से संबंधित हो, भर्तियों से संबंधित हो या फिर अन्य कोई जानकारी हो। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप जरूर करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने पहले ही आपको बता दिया था, हो सकता है भाई डायल 112 की तरह कंडक्टर भर्ती को भी करवा लिया जाए। अब लगातार कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि हमें पता नहीं लगा कि आवेदन कब हुए हैं, आवेदन की जो है दोस्तों इसमें किसी से तो जो है एडवर्टाइजमेंट इसमें जारी नहीं की गई थी। और दोस्तों मैंने बार बार पहले भी बताया था कि अगर किसी साथी के पास कोई भी एक्सपीरियंस है, ये नहीं है केवल हरियाणा रोडवेज कंडक्टर का ही जो हड़ताल वाला एक्सपीरियंस है वो हो, अगर कोई भी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का आपके पास है तो आप अपना जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बारे में जो है दोस्तों मैंने डिटेल में आपको बताया था। उसके बाद जो है दोस्तों जिस प्रकार से डायल 112 वाली जो भर्ती हुई थी जिसमें पहले से जिन कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था केवल उन कैंडिडेट को ही इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया। आप डायल 112 के लिए भी जो है दोस्तों लगातार इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद जो है दोस्तों आप कंडक्टर की भर्ती के लिए भी लगातार इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के CM मनोहरलाल खट्टर के एक क्लिक पर ही जो है 534 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कर दिया गया, यानी कि 534 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब ये 534 कैंडिडेट में से कितने सिलेक्ट इस भर्ती को करते हैं और कितने अनसेलेक्ट इस भर्ती को करते हैं, क्योंकि इसके अब 10 से 15 दिन के अंदर जो है जो ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे तो उससे पहले कन्फर्मेशन मांगी जाती है कैंडिडेट से कि क्या आप इस भर्ती को करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके पास SMS आता है उस लिंक के माध्यम से आपने यस या फिर नो का ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही जो है आपका जॉब ऑफर लेटर जारी किया जाता है। तो ये बात जो है दोस्तों अलग रह गई आपकी, लेकिन आपके जो मन में डाउट है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार HKRN के तहत जो 534 कंडक्टर की जो भर्ती की गई है वो किस आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आपके जो अगर हम बात करें तो 90% के कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल के दौरान कार्य किया था। और CM साहब ये बात बार बार बोल रहे थे कि भाई हड़ताल के दौरान जिन कैंडिडेट ने जिनने काम किया था उनको जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, हो सकता है पक्की भर्ती आएंगी उस समय भी इन कैंडिडेट को प्राथमिकता मिल सकती है। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो दोस्तों अब हड़ताल वाले ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उसके बाद जो है जिनके पास पहले से कोई कंडक्टर का लाइसेंस या फिर एक्सपीरियंस है पहले से हड़ताल से पहले का या फिर बाद में कोई भी एक्सपीरियंस है उस आधार पर जो है उस केस में जो है दोस्तों आपकी फैमिली ID के अनुसार आपके 150 अंक बनते हैं, क्योंकि इसमें न तो आपकी परीक्षा होती है न आपके कोई सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक लगते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों आपके 150 अंक बनते हैं, वो एक लिए कंडक्टर भर्ती की नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी भर्ती हो हरियाणा कौशल रोजगार HKRN की कोई भी भर्ती होगी दोस्तों उसमें आपके 150 अंक बनते हैं। इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन के अंक होते हैं और आपके एक्सपीरियंस के अंक होते हैं, आपकी जो सालाना आय इनकम जो है आपकी फैमिली ID में उसके अंक भी मिलते हैं। फैमिली जो आपकी इनकम के हैं जो हैं दोस्तों वो 50 अंक तक मिलते हैं आपको, यानी कि 10 से लेकर 50 नंबर इसमें जो है आपको मिलते हैं। 1,80,000 वालों को जो है इसमें 1,80,000 से कम वालों को जो है 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, इस प्रकार से जो है आपकी जैसे जैसे इनकम ऊपर होती जाएगी उस प्रकार से आपके मार्क्स जो हैं वो माइनस होते जाएंगे।
तो इस हिसाब से, और आपकी जो एज जो है, एज भी इसमें बड़ा मैटर करती है। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 150 अंक आपके बनते हैं, उसके बाद ही जो है दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो डाटा केवल उन्हीं का उठाता है बाद में, जो केवल ऊपर टॉप में आते हैं। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।